किसान भाइयों, मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और आने वाले 20 से 25 दिनों में धान की नर्सरी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो खेत की तैयारी हमें अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए और इसमें खेत की तैयारी के लिए करीब एक दो बार हमें पहले से इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई कर देने के बाद जो भी खेत में खरपतवार के सीड पहले से पड़े हुए हैं या और जो खरपतवार की इसमें गांठें पड़ी हैं, जैसे मोथा घास हो गया, तो इनका जमाव स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर खरपतवारों का जमाव स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें इसकी दो तीन बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी चाहिए। तो हम इसकी गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना देंगे और इसको खेत को सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। करीब 10 से 15 दिन तक बहुत अच्छे तरीके से, जब पूरा खेत सूख जाता है, इसमें जो मोथा घास की जड़ें होती हैं ये अच्छे से सूख जाती हैं और कोई भी जो खरपतवार होते हैं ये भी अच्छे से सूख जाते हैं, फिर इसके बाद इसकी खेत की तैयारी होती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए हमें इसमें गोबर की खाद का प्रयोग करीब एक डेढ़ महीने पहले ही कर लेना चाहिए, या फिर पहले 6 महीने पहले से यदि इस खेत में गोबर की खाद पड़ी हुई है तो फिर हमें यहाँ पर गोबर की खाद नहीं डालनी है। यदि हमारे पास अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 1.5 से 2 साल पुरानी पड़ी है तो इस समय हम जुताई के समय इसका प्रयोग करके इस तरीके से छोड़ सकते हैं। रासायनिक खादों में आपको यहाँ पर DAP, जिंक और सल्फर का प्रयोग कर लेना है और इसके बाद आपको इस तरीके से जुताई करके छोड़ देनी है। किसान भाइयों, जब हम मई महीने के लास्ट में या फिर जून महीने के पहले सप्ताह में नर्सरी की तैयारी करते हैं तो फिर उस समय हमें यहाँ पर खेत की अच्छे तरीके से जुताई करके समतल कर देने के बाद फिर इसमें हम सीधा पानी चला देते हैं और फिर इसमें धान की नर्सरी डाली जाती है। जो छोटे किसान भाई लोग हैं जो इस तरीके से नर्सरी नहीं तैयार करते हैं, उसमें जो है कई बार जुताई करने के लिए वहाँ पर उपयुक्त नहीं होता है, वो जो है धान की नर्सरी तैयार करने के एक सप्ताह पहले उसकी अच्छे तरीके से एक दो बार कल्टीवेटर से जुताई करवा लें, फिर उसके बाद इसका जो है रोटावेटर से जुताई करने के बाद मिट्टी पूरी भुरभुरी करके समतल कर दें और इसी समय यहाँ पर जो खाद देनी है, जो गोबर की खाद देनी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं और इसी समतल भूमि में जब अच्छे तरीके से ये सूख जाए फिर उसके बाद सीधे हमें इसकी सिंचाई कर देनी है और सिंचाई करते समय आप यहाँ पर DAP और माइक्रोन्यूट्रेंट का, सल्फर का, जिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं और फिर उसके बाद हमें खेत को इसमें सिंचाई कर देनी है और सिंचाई करने के बाद फिर यहाँ पर सीधा हम धान की नर्सरी डाल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हुई जिनको ध्यान में रखकर आपको धान के लिए नर्सरी की तैयारी के लिए पहले से ही आपको यहाँ पर खेत की तैयारी कर लेनी है। तो इस तरीके से यदि आप खेत की तैयारी करते हैं तो जो मोथा घास होता है इसकी जड़ें पहले से सूख जाती हैं तो इनका जमाव बहुत कम होता है या नहीं होता है। यदि इसके बाद भी यहाँ पर कुछ जो सीड वाली घासें होती हैं इनका जमाव होता है तो उसके लिए आप 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद यहाँ पर कुछ घास वाली दवाओं का प्रयोग आप धान की नर्सरी में कर सकते हैं। तो इस तरीके से खरपतवार से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इन बातों का ध्यान में रख के आपको नर्सरी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है और इस तरीके से आपको धान की अच्छी नर्सरी तैयार मिलेगी। तो किसान भाई, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।